आप देख रहे हैं रादौर टाइम्स, आपके शहर का अपना चैनल। रादौर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मांगेराम मारपुर द्वारा आयोजित परिवर्तन रैली में पहुंची कांग्रेस सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने रैली के दौरान बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरते हुए जमकर जुबानी हमला किया। राफेल डील में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाने, रेवाड़ी गैंगरेप और कई मुद्दों पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सरकार ने 4.5 साल में स्पष्ट तरीके से दिखा दिया है कि जो सरकार कहा करती थी कि हम मिनिमम गवर्नमेंट करेंगे, मैक्सिमम गवर्नेंस करेंगे, आज गवर्नेंस जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। गवर्नेंस के मामले में फेल हो गए हैं क्योंकि भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, विकास के कार्य हो नहीं रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है और आम जनता कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिलाएँ हो, चाहे नौजवान हो, नौकरियां नहीं मिल रही, सारी की सारी जनता अपने अपने मसले लेकर त्रस्त है और जो है सड़कों के ऊपर सारे उतर रहे हैं और आंदोलन जो है पूरे हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। उनकी जो बहुत गलत है, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है इसको भी एक मुद्दा बनाना चाहते हैं वोट लेने का, जो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा घटियापना है। क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक आज कोई इनके समय पर तो ये थोड़ा कि अभी हुई है, पहले नहीं हुई है। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वो खुद एक सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने लीड करा था पाकिस्तान के खिलाफ, आज तक जो है किसी को मालूम तक नहीं। और ये जो है इस तरह की बातें जब ये करते हैं तो स्पष्ट नजर आते हैं कि इनका खोखलापन सामने आ गया है कि अब जो है ये रक्षा का जो सिलसिला है उसको भी ये राजनीति का मुद्दा बनाना था। वहीं विधानसभा में हुए जूता प्रकरण के दिन को विधानसभा का काला दिवस बताया। वहीं करण दलाल को 1 साल के लिए बाहर निकालने की बात पर किरण चौधरी ने उसे गैर कानूनी बताते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यदि कहीं पर ऐसा लिखा हो तो लेकर आए, मैं इस्तीफा दे दूंगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये, और ये पहली बार देखा है कि इतना शर्मसार जो है हमारा विधानसभा हुआ है। काला दिवस मैं तो कहूँगी, जो है काला अध्याय जो है विधानसभा के उसके अंदर लिखा जाएगा। ये गरिमा जो बनानी होती है, ये गरिमा स्पीकर को बनाने का दायित्व होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात कि वो ये गरिमा को बनाए नहीं रख पाए और बीजेपी के दबाव में उन्होंने ये सारी एक तरफा कार्रवाई करी। तो आप समझ सकते हैं कि INLD और बीजेपी दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे। आपने उनको 1 साल के लिए बाहर कर दिया जब कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कानून का एक भी पर्चा मेरे पास लेके आ जाओ जहां ये कहता हो कि 1 साल के लिए आप बाहर कर सकते हो, मैं रिजाइन कर दूंगी। कानूनी गैर कानूनी काम करा, ये एक तरफा काम करा और दबाव में आके स्पीकर ने करा, जो उनके स्पीकर की जो पद की गरिमा है वो भी स्पीकर ने नहीं रखी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात। आज की परिवर्तन रैली में बारिश के बाद भी भारी जनसमूह देखने को मिला, जिसके बाद कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने रैली के आयोजक मांगे राम की जमकर पीठ थपथपाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर टाइम्स।